फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे सब्सिडी अप टू 50 लाख अंडर CLCSS क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। अगर आप MSC है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, आपका बिजनेस पुराना चल रहा है या कितने हैं आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट आपको 15 लाख तक की सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है अंडर CLCSS क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम के तहत, जिसमें आपको अपना प्लांट जो मशीनरी है उसको आप टेक्नोलॉजी अपडेट कर सकते हैं और कितने मॉडर्नाइज कर सकते हैं। गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपके जो पुराने प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसे आप क्या कीजिए, कितने टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट कर दीजिए, आज के मार्केट के हिसाब से आप ले आइए। तो गवर्नमेंट कहते हैं इसमें आपको 15% तक आपको लोन अमाउंट पे आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। मान लीजिए आप 1 करोड़ का लोन लेते हैं तो गवर्नमेंट उसे 15% के हिसाब से 15 लाख तक का मैक्सिमम सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। अगर आप माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, मैंने आपको माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस का पहली डिफिनेशन बताई थी, जिस माइक्रो के लिए आपका इन्वेस्टमेंट है प्लांट मशीनरी कहते हैं 1 करोड़ से कम होने चाहिए और आपका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए। स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए आपका इन्वेस्टमेंट है प्लांट मशीनरी में 10 करोड़ से कम होना चाहिए और आपका एनुअल टर्नओवर का 50 करोड़ से कम होने चाहिए, तब आपको MSC में कितने हैं इंटरप्राइजेस में आपको लाया जाएगा। बेसिकली गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपको जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, PSU है, बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं या कितने हैं आपका NBFC हैं, ये सारे के थ्रू आप लोन ले सकते हैं। MSC जब जाएंगी तो उनको लोन अप्लाई करेंगी तो उनको सब्सिडी मिल जाएंगी जितना भी आपको लोन मिलेगा। पर कितने हैं आपको एक तरह से क्राइटेरिया लेना पड़ेगा, मीन्स आपको उद्योग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन आधार लेना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये लोन अवेलेबल किया जाएगा। बेसिकली इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गए या सर्विस सेक्टर हो गए या कितने हैं आप खादी एंड विलेज इंडस्ट्री हो गई या कितने हैं जो अलग ट्रेडिंग यूनिट हो गई वो भी अवेलेबल है, मीन्स उनको भी ये लोन अवेलेबल किया जाएगा। तो इस क्राइटेरिया को आपको फॉलो करने के लिए किस किस यूनिट में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बेसिकली मान लीजिए आप कहते हैं LLP या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो या सोल प्रोप्राइटरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो सारे जितने कॉन्स्टिट्यूशन है सबके अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो कितने आपको ये लोन अवेलेबल किया जाएगा। बेसिकली गवर्नमेंट आपको कैपिटल के हिसाब से नहीं देख रही है, गवर्नमेंट देख रही है कि आपको जो प्लांट एंड मशीनरी है उसमें आप कितने टेक्नोलॉजी अपग्रेड करवाएं, ये नहीं कि आपका कितने जो फूड जो आपका प्रोसेसिंग यूनिट है या कितने आप उसे पुराना लेकर नया सामान लेकर आप उसके लोन लेना चाहें। गवर्नमेंट से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी है कि मान लीजिए आपने पुराना अपना जो आपका सेकेंड हैंड है मशीन या कितने आपको जो अपने जो बिल्डिंग में ही आपने उसे कंस्ट्रक्ट किया, मतलब जो फैक्ट्री में ही आपको उसे बनाकर एक प्लांट एंड मशीनरी, आप गवर्नमेंट से बोल रहे हैं कि हाँ मुझे लोन प्रोवाइड कीजिए, मुझे सब्सिडी चाहिए, तो गवर्नमेंट इसके लिए आपको सब्सिडी नहीं प्रोवाइड करेगी ना लोन प्रोवाइड करेगी। या आप ये कह रहे हैं कि मैं जो पुराने मेरी मशीन खराब हो गई है जो पुराने चल रही हैं उसके लिए फिर मैं नई मशीन लूँ सेम मशीन लूँ, तो गवर्नमेंट इसके लिए भी आपको कहते हैं ये लोन प्रोवाइड नहीं करेगी ना सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। इसके अंदर आपको जो कहते हैं आपने बेसिकली ये गवर्नमेंट क्या चाहती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हैं आप अपने मशीन एंड प्लांट का, तो उसके लिए आपको लोन प्रोवाइड कर रही है। जो आपका नया आप मशीन एंड प्लांट आप लेना चाहते हैं उसमें नई टेक्नोलॉजी है तो उस हिसाब से गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बेसिकली आपको जो लोन मिलेगा वो कितने 15% ऑफ लोन अमाउंट मिलेगा, मीन्स मान लीजिए 1 करोड़ का आपने लोन लिया तो आपको 15 लाख रुपए लोन मिलेगा। अगर आप कितने हैं 50,000 का भी लोन लेते हैं तो उस हिसाब से कितने हैं आपको 7.5 लाख रुपए लोन मिलेगा, वो डिपेंड करता है, मीन्स 15% आपको फिक्स है कि आपको मिलेगा ही। और अगर कितने आप MSC है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज तो आपको टर्म लोन मिलेगा, टर्म लोन के हिसाब से ही आपको ये लोन परचेज करना पड़ेगा किसी भी प्राइवेट बैंक PSU NBFC वहां से आप लोन ले सकते हैं। या आप बोलते हैं कि मैं अभी स्मॉल इंटरप्राइजेज हूँ, मैं कितने अगर 1 करोड़ का लोन भी ले लूँ फिर उसके बाद मशीन एंड इक्विपमेंट के लिए अलग से लोन ले लूँ तो मेरा तो कितने हैं मीडियम इंटरप्राइजेज में आप स्विच कर जाएंगे। तो गवर्नमेंट बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमारे से लोन लीजिए स्मॉल इंटरप्राइजेज, अगर आप स्विच भी कर जा रहे हैं उसे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोन ले सकते हैं CLCSS के तहत। अगर गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आपने मान लीजिए कितने हैं 1 करोड़ तक का लोन लिया जो कि 15% सब्सिडी आता है 15 लाख रुपए, तो आप बोल रहे हैं कि मुझे दोबारा मैं इसका लोन से दे सकता हूँ, मुझे कितने मैं अपने फैक्ट्री को एक्सपेंड करना है और भी प्लांट इक्विपमेंट लेना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट बोल रही है आपको लोन नहीं मिलेगा। और आप अगर ये चाहते हैं कि मान लीजिए आपने जो 15 लाख रुपए में है वो केवल आपका 8 लाख का ही जब सब्सिडी आपने उठाया, आपको जो 7 लाख रुपए आपका जो अमाउंट बचा है, तो आप बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं मैं दोबारा ये सब्सिडी जो बचे हुए हैं उसका और दोबारा फायदा उठा सकता हूँ। हाँ, गवर्नमेंट बोल रही है आपका मैक्सिमम जो टोटल जोड़ के होना चाहिए 15 लाख तक होना चाहिए, तो आपने अभी 7 लाख 8 लाख रुपए का लिया तो 7 लाख रुपए का और सब्सिडी ले लीजिए, तो गवर्नमेंट इसमें आपका एलिजिबल करवा देगी। अगर आप एक और टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाएंगे कि मान लीजिए 1 करोड़ का आपने लोन लिया, गवर्नमेंट आपको कहते हैं 15% सब्सिडी दे दे रही है 15 लाख रुपए, बचा 85 लाख रुपए, आप बोलेंगे बैंक को कि 85 लाख रुपए मैं रिटर्न कर देता हूँ, तो बैंक इसमें एक और टर्म्स कंडीशन लाई है
जो आपकी यूनिट हो वो कमर्शियली रन होनी चाहिए, मीन्स आपका जो प्लांट और इक्विपमेंट है वो 3 साल के लिए कितने हैं, आप जब उसे इंस्टॉल किए हैं 3 साल तो होना ही चाहिए आपके प्लांट मतलब आपकी यूनिट को इंस्टॉल किए हुए और रन करते हुए, तब जाके आपको ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और कितने ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपको देखने पड़ेंगे। और एक और टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आपने कितने ये सब्सिडी का लोन उठा लिया तो अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई और भी स्कीम आप लेते हैं तो वो तो अवेलेबल है, पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट और भी जो स्कीम है आप उसमें अवेलेबल नहीं हो सकते, मीन्स आप उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। कौन कौन सी कितने इंडस्ट्री इसमें एलिजिबल हैं, बेसिकली फूड इंडस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, रबर इंडस्ट्री है, टॉय इंडस्ट्री है, फूड वोटर इंडस्ट्री है, मिनरल वाटर इंडस्ट्री है, टॉय फुटवेयर इंडस्ट्री है, जितने भी MSE माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस आप नाम जानते हैं सारी इंडस्ट्रीज में इंक्लूडेड हैं, सब इसका एलिजिबल इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इस लोन को जरूर लीजिए और इसे सब्सिडी का फायदा उठाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक इतना ही, धन्यवाद।